जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउ शान ने थ्रोन ऑफ सील के प्रोजेक्शन को एक्टिवेट कर दिया था, जिस वजह से वहाँ सभी के पास शील्ड आ गई थी और अब ह्यूमंस फिर से डेमन्स को मारने लगे थे। ये प्रोजेक्ट थ्रोन ऑफ सील जो कि सिटी के अंदर रखा हुआ है उनकी है और ये अलायंस लीडर ने एस्टेब्लिश यहाँ की है। चीफ पलाटिन अलायंस लीडर के पास आते हैं और उनसे सिचुएशन के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि प्रोजेक्शन टाइम से डेमन हंटर फ्रंटियर में पहुँच गई है और थ्रोन को वहाँ बुलाने वाला और कोई नहीं बल्कि हाउ शान है। अगर किसी ने ये थ्रोन को वहाँ बुलाया होता तो सिर्फ 33% बार ही मेरी वहाँ पहुँच पाती, लेकिन हाउ शान जो कि सन ऑफ लाइट है, जो प्योर लाइट को कंट्रोल कर सकता है, उसने 50% से भी ज्यादा मेरी पार को वहाँ बुलाया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए हैं। वही हाउ शान इसकी पार का यूज करके डेमन लॉर्ड को नील कर रहा था और इस पर डेमन लॉर्ड को गुस्सा आ जा रहा था। वो खड़े होने की कोशिश करता है और हाउ शान पर हमला करता है, लेकिन हाउ शान जब अपने आगे शील्ड क्रिएट कर लेता है तो डेमन उस पर कंटिन्यूस अटैक करता है, जिस वजह से बहुत तेज धमाका होता है और डेमन खुश होने लगते हैं। लेकिन तभी हाउ शान वहाँ से सही सलामत बाहर आता है और डेमन लॉर्ड को बहुत जोर से पंच मारता है। उसके आसपास लाइट की शील्ड है, इसलिए वो अब हर तरह के अटैक से इम्यून हो चुका है। वो तुरंत फिर गाओ यिंगजी के पास आ जाता है, लेकिन अब गाओ यिंगजी मर चुका है। वो उसे हील करने की कोशिश करने लगता है कि अगर 1% जान उसमें बची हो तो वो लाइट की पार से हील हो जाए। लेकिन तभी हंसते हुए डेमन खड़ा होता है और कहता है कि इसने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी तुम्हें थ्रोन बनाने देने के लिए, लेकिन ये थ्रोन आने से पहले ही मर गया। कितनी हंसी की बात है ये। हाउ शान को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि अब गाओ यिंगजी पूरी तरह से मर चुका है। हाउ शान अब गुस्से में खड़ा होता है और डेमन लॉर्ड से लड़ने के लिए जाने लगता है। डेमन लॉर्ड भी अपने हथियार को निकालकर अब हाउ शान से लड़ने के लिए आगे आ जाता है। डेमन लॉर्ड उस पर अपनी बीच छोड़ता है जो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हाउ शान बिना उन पर ध्यान दिए आगे बढ़ता जा रहा है और वो बीच उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। इसलिए डेमन उस पर और ज्यादा घातक हमला करता है, लेकिन वो हमला भी हाउ शान का कुछ नहीं बिगाड़ पाता और अब हाउ शान आगे बढ़कर अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। अब हाउ शान अपनी रेन ऑफ लाइट का यूज करके डेमन ड्रैगन अटैक कर देता है, जो सीधे डेमन लॉर्ड को जाकर लगता है और डेमन लॉर्ड बेरहमी से घायल हो जाता है और नीचे जाकर गिरता है। और फिर हाउ शान अपनी तलवार को उसके अंदर घुसा देता है और फिर उसको बीच में से काटने लगता है, लेकिन इससे पहले कि हाउ शान की तलवार उसे लगती वो ऊपर उड़ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। हाउ शान तुरंत किलिंग ब्लेड राउंड का यूज करता है, लेकिन फिर भी वो भागने में कामयाब हो रहा होता है और अब वो अपनी हेवनली डेमन बॉडी स्प्लिटिंग का यूज करने लगता है, जिससे उसका कटा हुआ हाथ वापस आ जाता है। लेकिन तभी उसके पीछे बाल्ड हीलर उस पर हमला कर देता है, जिससे फिर से उसका वो हाथ कट जाता है। वहाँ अब लिंजिन और ली सिन भी आ जाते हैं। डेमन लॉर्ड ली सिन पर हमला करता है, लेकिन लाइट शील्ड होने की वजह से उसको कुछ नहीं होता और लिंजिन अब उस पर अपनी तलवार से हमला कर देती है और फिर वॉरियर वैंग अपनी स्लैब की पार से उसे नीचे गिरा देती है। वो बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन हाउ शान और कायर ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि ये अभी तक जिंदा है। इसलिए हाउ शान और कायर अब दोनों मिलकर उस पर कंटिन्यूस अटैक करने लगते हैं, जिससे फाइनली अब वो मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड बियर पर बाकी लोग हमला कर रहे हैं और सभी मैजिशियन उसको पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ अब हाउ शान भी आ जाता है, जो उस पर हमला कर देता है और बाकी मैजिशियंस भी उस पर जब अटैक करते हैं तो वो भी अब घायल होने लगता है और वहाँ मैजिशियन सब अपनी कंबाइन पावर से बहुत बड़ा वॉरियर क्रिएट करते हैं, जो उस डेमन को बीच में से फाड़ डालता है और वो डेमन भी अब मारा जाता है। अब डेमन लॉर्ड ल्यूजन बस जिंदा था और उससे मिस्टर जो लड़ रहे हैं और उनमें बहुत टक्कर की लड़ाई हो रही है, जिसमें डेमन ल्यूजन जीतता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि वही डेमन लॉर्ड सबसे ज्यादा ताकतवर था। मिस्टर जो अपने हते हो जाते हैं और डेमन से डॉज करने लगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर जो उसी का हथियार उसे छीन लेते हैं और उसी के हथियार से उसे बीच में से काट डालते हैं और फिर फाइनली ल्यूजन भी मर जाता है। अब फाइनली मिस्टर जो बहुत खुश है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया है। वो अब पूरे उसमें ऐलान कर देते हैं कि हम जीत गए हैं। सभी लोग खुश होने रहते हैं, लेकिन तभी वहाँ असली डेमन गॉड, जो सभी डेमन लॉर्ड्स का गॉड है, वो आ जाता है और वो एक ही हाथ से वहाँ थ्रोन के प्रोजेक्शन को तोड़ देता है। प्रोजेक्शन के टूटते ही वहाँ सभी के पास से लाइट की शील्ड हट जाती है और ये 6000 साल बाद डेमन लॉर्ड इनके कॉन्टिनेंट में आया है। डेमन गॉड एम्परर, जिसका नाम फेंग ज़ियू है, वो डेमन हंट फ्रंटियर में आ जाता है और उसको देखकर सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि उसके एक एक कदम से वहाँ की रियलिटी टूट रही थी। सभी के ऊपर बहुत ज्यादा इंटेंस ग्रेविटी प्रेशर पड़ने लगता है और जो पहले से ही घायल है वो तो मुंह से खून उगलने लगते हैं। लिंजिन बाल्ड हीलर के ऊपर शील्ड लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शील्ड इस ग्रेविटी प्रेशर से तुरंत टूट जाती है। मिस्टर जो अपनी पार से सभी के ऊपर शील्ड क्रिएट करते हैं, लेकिन उनकी शील्ड भी डेमन गॉड एम्परर के सामने बहुत कमजोर पड़ रही है। डेमन गॉड का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर वो नहीं रुका तो लोग ऐसे ही कुचल कर मर जाएंगे। कार के अंदर डेमन गॉड एम्परर को देखकर, जो उसका रीइंकार्नेट पार है, वो बार बार अपनी पार को यूज करने के लिए उसे कहने लगता है कि इसे मार डालो, लेकिन कार खुद को संभालती है
मिस्टर ज़ू कहते हैं कि रीइंकार्नेटेड स्पॉट और डेमन गॉड एम्परर पैदाइश एक दूसरे के दुश्मन है। अगर कायर को नहीं रोका तो दिक्कत हो जाएगी। हाउशन कायर को संभालने की कोशिश करता है और उसे गले से लगाकर शांत होने को कहता है। फाइनली कायर थोड़ी शांत हो पाती है, लेकिन तभी मिस्टर ज़ू की शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है और वहाँ के नॉर्मल सैनिक तो इस प्रेशर की वजह से ही अपना दम तोड़ने लगते हैं। हजारों सालों से मैनकाइंड डेमन से लड़ती आ रही है, लेकिन हमेशा इंसान ज्यादातर फेल हुए हैं। आखिर कब तक ये वॉर एंड होगी? कब रोशनी अंधकार को हटाएगी? इन सब सवालों के जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन नाइट्स कितनी भी बार भी फेल क्यों ना हो जाए, वो कभी हिम्मत नहीं हारते और हमेशा हर डेमन के सामने एक नाइट खड़ा हो जाता है। इस सब के वॉइस ओवर के बाद वहाँ तभी कुछ लाइट्स आती हैं, जो इन सभी के ऊपर एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट कर देती है और वहाँ 5 नाइट्स आते हैं जो डेमन गॉड एम्परर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ये नाइट्स प्रोटेक्टर ऑफ होली लाइट का यूज करते हैं, जिससे वहाँ नीचे सब नॉर्मल हो जाता है और ये 5 लोग और कोई नहीं बल्कि मैनकाइंड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमन हंटर ग्रुप के हैं, जिन्होंने कई सैकड़ों डेमन्स को मारा है। डेविल्स फॉल टीम इनका नाम है और फाइनली ये यहाँ इनकी रक्षा के लिए आ गए हैं। डेमन गॉड एम्परर कहते हैं कि तुम हमेशा यहाँ आ जाते हो मेरे बीच, जिस पर वो हंसते हुए कहते हैं कि क्या तुम सच में फाइनली ये युद्ध छेड़ना चाहते हो? जिस पर डेमन गॉड एम्परर कहते हैं कि तुम 3 सर वाला बीस्ट जिसका नाम ऑस्टिन ग्रिफिन है उसको मुझे सौंप दो, मैं चला जाऊंगा, अगर ऐसा ना किया तो तुम सब मारे जाओगे। डेमन गॉड एम्परर अपना ऑरा निकालने लगता है, जिससे सब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो पांचों आपस में बात करते हैं कि अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो ये डेमन हंटिंग फ्रंटियर को खत्म कर देगा, जिससे सारे डेमन टाउन में घुस जाएंगे और काफी लोग मारे जाएंगे और ये कीमत हम नहीं चुका सकते। हालांकि लीडर इनका कहता है कि वो बीस्ट अगर जो ये मांग रहा है हमने दे दिया तो भी हमें नहीं पता कि फ्यूचर पे क्या मुसीबत हमारे ऊपर आ जाए उस बीस्ट की वजह से, इसलिए अब हमें डेमन गॉड एम्परर को रोकना ही होगा और चाहे हम इसमें मर ही क्यों ना जाए हमें अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, लेकिन पहले हमें देखना होगा कि वो बीस्ट क्या है। अगर वो बीस्ट हमें लगा कि ये हमारे फ्यूचर में दिक्कत नहीं देगा तो ही हम डेमन गॉड एम्परर पर हमला करेंगे। अब लीडर डेमन गॉड एम्परर से कहता है कि अगर तुम सिर्फ एक बीस्ट को यहाँ लेने आए हो तो इतने युद्ध की इतनी क्यों जरूरत, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, हम तुम्हारे बीच में नहीं है। अब तुरंत डेमन गॉड एम्परर फिर से सभी पर ग्रेविटी प्रेशर डालता है और अपनी पार से सभी के डेमन बीस्ट को बाहर आने पर मजबूर करता है। सभी के डेमन बीस्ट अपने स्पिरिचुअल रियलम को छोड़कर बाहर आने लगते हैं और हाउशन समझ जाता है कि ये यहाँ जो 3 हेडेड डेमन की बात कर रहे हैं वो हाउवे की बात कर रहे हैं और ये इसे लेने आए हैं, लेकिन अभी हाउवे अपने असली फॉर्म में नहीं है, इसलिए डेमन गॉड एम्परर की जब नजर हाउवे पर जाती है तो वो उसे नहीं पहचान पाता। उसे लगता है कि शायद यहाँ कोई ऑस्टिन ग्रिफिन नहीं है, इसलिए डेमन हंट लिमिट में उसे अब तबाही मचाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो हाउशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है अब, क्योंकि उसकी वजह से ही उसके 3 डेमन गॉड मारे गए हैं, इसलिए वो तुरंत हाउशन को अपने स्पिरिचुअल रियलम में बुलाता है। हाउशन उसको देखकर चौंक जाता है। डेमन गॉड एम्परर का ड्रैगन हाउशन के चारों तरफ से गुजरता है और उसे देखता है। डेमन एम्परर कहता है कि तुम बिल्कुल उसके जैसे हो, लेकिन अभी बहुत यंग हो, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, जब तुम थोड़े बड़े हो जाओगे जब तुम्हें मारने में और मजा आएगा। हाउशन फिर तुरंत बाहर आ जाता है और उसे समझ नहीं आता कि अचानक वो डेमन एम्परर की स्पिरिचुअल रियलम में कैसे चला गया था। कायर उसे संभालती है और फिर अब एम्परर भी उन नाइट से कह देता है कि मेरा अभी तुम्हें मारने का कोई मन नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। नाइट्स भी समझ जाते हैं कि इसको वो बीस्ट जो ये ढूंढ रहा है वो नहीं मिला है। डेमन गॉड एम्परर कहता है कि तुम और मैं काफी सालों से एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, इसलिए हम नेचुरली दोस्त बन गए हैं। तुम्हारी यानी ह्यूमंस की लाइफ स्पैन बहुत छोटी है, लेकिन कल ही मैं 1 मिलियन साल का हुआ और तुम बूढ़े होते जा रहे हो। अब तुम हम डेमन से कभी नहीं जीत सकते हो, लेकिन मान भी लो अगर तुमने मुझे टक्कर दे दी तो हजारों सालों बाद जब तुम मर जाओगे तब तुम इंसानों का क्या होगा। वो उन्हें ये धमकी देकर चला जाता है। मिस्टर ज़ू गांव यिंगजी को हील करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उसमें 1% भी लाइफ हो तो वो बच जाए, और हाउशन ने भी पहले इनके अंदर फेरी को छोड़ दिया था जो उसे हील करेगी। अब फेरी बाहर आती है और उसके बाहर आते ही गांव यिंगजी के अंदर जान आ जाती है, यानी गांव यिंगजी जिंदा है। हाउशन और उसकी टीम तुरंत अपने टीम लीडर गांव यिंगजी को संभालते हैं और मिस्टर ज़ू अब फाइनली चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि 3 डेमन गॉड और हजारों डेमन्स मारे गए हैं, जिससे अब इस एरिया में डेमन्स का हमला 6 महीने तक दोबारा नहीं होगा, लेकिन इसके लिए इंसानों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। सब काफी दुखी हैं क्योंकि कईयों ने अपने भाई को, अपने पिता को और अपने बेटे को खोया है। सैनिक रो रहे हैं क्योंकि उनके कमांडर ने इस युद्ध में अपना दम तोड़ दिया है, लेकिन दूसरे सैनिकों ने शांत कराते हैं कि अगर तुम रोओगे तो ऊपर स्वर्ग में बैठे कमांडर को ये अच्छा नहीं लगेगा। सभी लोग लैंटर्न को लाइट करके उड़ाने लगते हैं और जो भी इस युद्ध में मरे हैं ये उन सबके लिए श्रद्धांजलि है। और अब हाउशन अपने टीममेट से कहता है कि जो 1 लाख कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मुझे कैप्टन ली से मिले हैं वो मैं डेमन हंट बॉर्डर को डोनेट कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरह से यहाँ की करेंसी है और डेमन हंट बॉर्डर को फिर से अब रिकंस्ट्रक्ट होना होगा, जिसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट आएगी।
क्या तुम सब इससे एग्री हो? इस पर उसके सभी टीममेट्स एग्री कर लेते हैं और हौशन अब अपनी टीममेट्स को और ज्यादा एंथू के साथ वर्क करने को कहता है। कायल को अभी भी रीइंकार्नेटेड स्पॉट का साइड इफेक्ट हो रहा है, इसलिए वो खड़े खड़े गिर जाती है, लेकिन हौशन उसे संभालता है और उसे कमरे में ले जाया जाता है और हील करने पर पता चलता है कि अभी कुछ दिन और लगेंगे कायल को ठीक होने में। हौशन को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि अगर वो थोड़ा और ताकतवर होता तो कायल को इस स्टेज पर आने से रोक देता, लेकिन मिस्टर जो उसे समझाते हैं कि अगर तुम लेवल 9 के पीक पर भी होते तो भी तो कायल को नहीं बचा पाते, क्योंकि स्पॉट ऑफ रीइंकार्नेशन बहुत साल पहले ही कायल के साथ इंटीग्रेट हो गई थी। इस किलिंग इंटेंट को इसे खुद ही धीरे धीरे हटाना होगा। कायल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसने अकेले ने ही 6 टेस्ट ऑफ रीइंकार्नेशन पास कर लिए थे, इसलिए उस पर भरोसा रखो तुम। अब मिस्टर जो हौशन को एक सीनियर के पास ले जाते हैं और ये सीनियर सभी की फाइल देख रहा था और ये और कोई नहीं बल्कि वो नाइट है जो डेमन गॉड एम्परर के सामने खड़ा था। मिस्टर जो भी इसके आगे सर झुकाकर खड़े हैं और वो अपना इंट्रो हौशन को देते हैं और कहते हैं कि मैं टीम डेविल फॉलन का लीडर हूं और मेरा नाम शेन ज़ीवियन है। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं और फिर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है।